ज्यादा दिन भर भैरू सिंह जी भैरू सिंह भैरू सिंह जी भैरू सिंह जी माथे मांगते हो क्या भैरू सिंह जी, इतना तो ले लिया क्या ले। बीजेपी आज आपको नजर आ रही है महलों में बैठी, उसमें भैरू सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान। मंजीरा भैरू सिंह जी बाबोसा बाबोसा करूँ तो बाबोसा परेशान हो जाएंगे, ऊपर वो कहेंगे प्रताप सिंह का दिमाग खराब। ये बीजेपी बीजेपी ना राम की सगी है ना रहीम की सगी है, बीजेपी तो खुद की सगी है। बीजेपी के कुछ फर्जी नेतने करते हैं, राम के वंशजों को लेकर चुनौती देते हैं, तो भैरू सिंह जी भी राम के वंशज थे। आला कमान ने फिर आपको टिकट दिया है सिविल लाइन क्षेत्र से, आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, राजस्थान में कांग्रेस का टिकट टाइम टाइम पर घोषित होता है और हमारे यहाँ कोई टिकट को लेकर कोई डिस्कस नहीं था, ना मैं इतनी परवाह करता, ये कोई इश्यू नहीं है, ये तो नॉर्मल बात है। टिकट होना था टिकट तो होंगी पार्टी के घोषित, और मेन मकसद है चुनाव जीतना, जनता का समर्थन है। पिछली बार हम 18,078 वोटों से जीते थे, इस बार 40,000 से ज़्यादा वोटों से जीते। बिल्कुल, वहीं देखा जाए तो अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं उतारे गए, आपके चेहरे को देखते हुए उनमें भी अभी चल रहा है लड़ाई, तो आने वाले समय अब जो क्षेत्र के जो काम बचे हुए हैं उसको किस रूप में देखेंगे, कैसा करना चाहेंगे? हमारे ज़्यादा काम बचे हुए नहीं है, हमारे काम इवन रोड्स भी हमारे पास इतनी एक्स्ट्रा है कि टाइम कम पड़ रहा है। 2.5 साल तो कोरोना से लड़ती रही सरकार, तो अब जो हमारे पास काम है वो बहुत काम है। सिविल लाइन्स राजस्थान का ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज़्यादा काम हुआ है, तो काम की हमारे यहाँ कमी नहीं है। सबसे बड़ी बात, लोग जनता के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए, तो यहाँ तो 24 घंटे दरवाज़ा खुला पड़ा है, फ़ोन हाथ में, आधी रात को भी कोई फ़ोन करता है तो मैं उठाता हूँ, तो जनता के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए, वो मैं कर रहा हूँ काम, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी के अंदर जिस तरह से अंदरूनी में लड़ाइयाँ चल रही हैं उसको किस रूप में देख रहे हैं, जो उनके फूट रोड के सामने आ रहे हैं, टायर जलाए जा रहे हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, झूठ फरेब और धोखे की राजनीति करती है। बीजेपी की खुद की कानूनी व्यवस्था खराब हो चुकी है, बीजेपी को अपनी पार्टी के अंदर की कानूनी व्यवस्था ठीक करनी चाहिए। बीजेपी वाले कार्यालय में हमने पुलिस लगाई है बीजेपी की सिक्योरिटी के लिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को चित्तौड़ नहीं जा पा रहे, वहाँ उनके पुतले जलाए जा रहे हैं, लठ लेके खड़े लोग कि हम घुसने नहीं देंगे, तो बीजेपी के नेता खुद सुरक्षित नहीं, उनको पुलिस की सुरक्षा चाहिए, तो उनके तो खुद पार्टी की कानूनी व्यवस्था खराब है। वो क्या राजस्थान की जनता की कानूनी व्यवस्था की बात करते हैं, क्या कानूनी व्यवस्था ठीक करेंगे? यहाँ तो कानूनी व्यवस्था बहुत अच्छी है राजस्थान की, कांग्रेस के लिए बीजेपी की कानूनी व्यवस्था बिगड़ी हुई है। भैरव सिंह शेखावत का जन शताब्दी है सर, उसके बारे में क्या कहेंगे? भैरव सिंह शेखावत राजस्थान और हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के ग्रेटेस्ट लीडर थे, और भैरव सिंह जी के लिए मैं इतना कह सकता हूँ कि ग्रास रूट से निकल कर, एक गाँव से निकल कर, जो व्यक्ति राजस्थान का 3 बार चीफ मिनिस्टर रहा, शेर राजस्थान के नाम, शेर हिंदुस्तान के नाम से वो जाने गए, ये जो बीजेपी आज आपको नज़र आ रही है महलों में बैठी, उसमें भैरव सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। बिना भैरव सिंह जी के लोग बीजेपी की कल्पना नहीं करते थे राजस्थान में, तो आज के दिन मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और बीजेपी के कुछ फर्जी नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राम के वंशजों को लेकर चुनौती देते हैं, तो भैरव सिंह जी भी राम के वंशज थे। ये नकली जो बीजेपी के वीर घूम रहे हैं ना धक्के खाते गलियों में, ना तो वो वीर हैं ना वो असली नेता हैं, वो फर्जीवाड़े की पॉलिटिक्स करते हैं, वो बंद करें। पहले वो देखें कि उनके पिताजी जिनसे बीजेपी तैयार की वो राम के ही वंशज थे, तो जो राम के वंशजों को चुनौती दे रहे हैं ना, राम को चुनौती देती है बीजेपी। बीजेपी ना राम की सगी है ना रहीम की सगी है, बीजेपी तो खुद की सगी है, और ये बीजेपी के नेता जो आपस में लड़ रहे हैं ना, ये लड़ाई इनको ख़त्म कर देगी, राजस्थान में साफ कर देगी। नरपत सिंह राजीव का टिकट विद्यासागर कार्ड के चित्तौड़गढ़ में दे दिए सर, वो आप किस रूप में देख रहे हैं राजपूत समाज को लेकर? सवाल समाज का नहीं है, यदि बीजेपी ने उनको टिकट पहले विद्याधरनगर दिया, अब उनको चित्तौड़ दिया है, तो बीजेपी ने उनको सम्मान दिया, उनको जाके लड़ना चाहिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। डरने की क्या बात है, या तो उनको यदि उनका टिकट बदल दिया, पहले वो चित्तौड़ ही लड़ते थे, भैरव सिंह जी के नाम से, भैरव सिंह जी के दम से उन्होंने पॉलिटिक्स की है, तो भैरव सिंह जी के नाम से फिर लड़ू चुनाव, और क्या हो सकता है? मैं तो कह रहा हूँ हमेशा पार्टी में खुद को अपना वजूद बनाना चाहिए। भैरव सिंह जी ने अपने दम पर पॉलिटिक्स की थी, जो ज़्यादा भैरव सिंह जी दिन भर करते रहते हैं, तो कब तक भैरव सिंह जी करते रहोगे? भैरव सिंह जी तो उनके तो ससुर लगते हैं, मेरा तो बड़ा बाप भी है, मेरे पिताजी के बड़े भाई तो हैं, तो मैं दिन भर भैरव सिंह जी की वो क्या बोलते हैं, झुंझ वो बजाते हैं ना, मंजीरा भैरव सिंह जी बाबोसा करूँ तो बाबोसा परेशान हो जाएंगे, ऊपर वो कहेंगे प्रताप सिंह का दिमाग खराब हो गया, दिन भर बाबोसा करता रहता, काम क्यों नहीं करता? वो खुद ही काम करते थे। तो प्रताप सिंह खाचरियावास को काम के दम पर, संघर्ष के दम पर, सड़कों पर खून पसीना गिराने के दम पर, सरकार से टकराने के दम पर, कांग्रेस की सरकार से मैं खूब लड़ा, जितना मैं लड़ा उतना तो बीजेपी के नेता नहीं लड़े, बीजेपी की सरकार से खूब लड़ा, लड़ने के दम पर जानते हैं, इसलिए थोड़ा ना जानते हैं कि मैं भैरव सिंह जी का भतीजा हूँ, मुझे सिर्फ इसलिए जानते हैं कि लड़ता है, तो जो असली खून तो दिखता है ना कौन है, इसलिए ज़्यादा दिन भर भैरव सिंह जी तो माथे मांगते हो क्या भैरव सिंह जी, इतना तो ले लिया क्या लोगे? बिल्कुल,
ये प्रताप सिंह खाचरिया थे, इन्होंने इनको उम्मीद कांग्रेस की तरफ से बनाया गया है सिविल लाइन में। अब आने वाले समय में ये देखा जाएगा इनकी तरफ से भाजपा की तरफ से कौन से उम्मीदवार होंगे। दीपक कुमार शर्मा के साथ हरनाम सिंह, पंजाब केसरी, जयपुर।